संत शिरोमणि रविदास जी का 642वीं जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग ने मंगलवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कांग्रेसियों ने संत रविदास के विचारों पर उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर दयानंद दुसाद, स्नेहलता, इंद्रजीत चौधरी, रामेश्वर प्रसाद, अजय कुमार सहित अनुसूचित जाति विभाग के अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष संदीप गोरखपुरी ने कहा, अरे यार मेरा मोबाइल बंद कर दो। ये बहुत ही बड़े संत हुए हैं और उन्होंने जो है भगवान को धरती पर उतार कर दिखाया। कहानी है कि उसमें से कंगन जो राजा का खो गया था वो उसमें से अपनी कठौती में से निकाल के दे दिया, तो इसलिए और इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसमें हमें संत रविदास जी से प्रेरणा लेते हुए अपने मन को साफ और शुद्ध रखना है। हमें भगवान रविदास जी के साहित्य से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सुधारने की। संदीप गोरखपुरी, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग, कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम है जिसमें संत रविदास जी की 642वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और आज कांग्रेस कमेटी के तमाम हमारे अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष सहित जिला कार्यकारिणी ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित होकर संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर अनुसरण करते हुए विचार विमर्श करते हुए संगठन को मजबूती की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और इस उम्मीद है हम लोगों की कि 2019 में हम लोगों की केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।